और एक धमाकेदार वीडियो में। और यहाँ पे आज हमारे पास से ALT गुड स्मार्ट वॉच जो आता है 1.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले के साथ, और वो भी काफी बजट फ्रेंडली प्राइस के अंदर। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मिलता है सिंगल चिप वाला ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट और काफी सारे एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर। तो भाई करेंगे इसका यहाँ पे अनबॉक्सिंग, देखेंगे कौन कौन से यूनिक वाले फीचर और वो भी बेस्ट प्राइस के अंदर आपको यहाँ पे मिलते हैं। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूले। सो प्रजा हियर, वेलकम टू आवर चैनल ईटेक एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से पैकिंग में हमें मिल जाता है ALT गोट स्मार्ट वॉच जो आता है 1.78 इंच की एमोलेड डिस्प्ले के साथ विद सिंगल चिप कॉलिंग फंक्शन। यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट को भी लाइव यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। AI वॉइस असिस्टेंट, वर्ल्ड क्लॉक, IP68 वाटरप्रूफ रेटिंग भी मिल जाता है। डिस्प्ले साइज काफ़ी यूज एंड बड़ा है, 1.78 इंच का जो एक एमोलेड डिस्प्ले है। सिंगल चिप ब्लूटूथ कॉलिंग, 100+ वॉच फेसेस एंड SPO2 हार्ट रेट सेंसर जो है वो भी आपको मिल जाता है। सो अगर अनबॉक्सिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलते हैं डॉक्यूमेंटेशन जिसके अंदर यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड एंड सेट ऑफ द स्टिकर्स मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें मिलता है मैग्नेटिक टाइप USB पावर चार्जिंग केबल और लास्ट में हमारा स्मार्ट वॉच। सो आपको इतना मिल जाएगा फ्रॉम द अनबॉक्सिंग। अगर बात करें यहाँ पे लुक, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर तो कुछ इस तरीके से हमें मिल जाता है। पावर ऑन करते हैं इसको और पावर ऑन होते ही यहाँ पे आपको ALT का लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसके बाद आप इसे इजीली कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक मेटालिक प्रीमियम लुक जो है वो मिल जाता है। बैक साइड पे यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आपको मिलता है स्पीकर ग्रिल, क्योंकि ये वाला आपको मिलता है ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच, चार्जिंग डॉट्स, SPO2 हार्ट रेट सेंसर एंड सेंटर में यहाँ पे आपको क्राउन भी मिलता है जहाँ से आप मेनू को भी एक्सेस कर सकते हो या तो फिर पावर ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलता है छोटा सा माइक और आप इससे यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट या तो फिर जो ब्लूटूथ कॉलिंग है उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। स्ट्रैप्स की क्वालिटी मुझे यहाँ पे काफ़ी सही लगी और काफ़ी अच्छा और यूनिक डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिलता है। एंड स्ट्रैप्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, चेंजेबल है। अगर बात करें यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ को लेके तो यहाँ पे आपको काफ़ी यूज एंड बड़ा 1.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो मुझे काफ़ी सही लगा प्राइस के हिसाब से। वन मोर अमेजिंग फीचर, यहाँ पे आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट। तो सेटिंग में यहाँ पे आपको जाना है, देन आपको यहाँ पे जाना है स्क्रीन सेवर में, मेक श्योर करना है आपने इसे ऑन किया है। दो टाइप के यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो मिल जाती है, एक है डिजिटल डायल और सेकेंड जो है वो है आपका एनालॉग। तो डिजिटल डायल को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो डिजिटल डायल कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा एंड सेकंड जो है वो है एनालॉग टाइप। तो सेटिंग में जाना है, देन आपको जाना है स्क्रीन सेवर में और यहाँ पे पॉइंटर डायल को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो चेक करते हैं यहाँ पे हम पॉइंटर डायल को, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको दो अलग अलग फॉर्म के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगी। तो भाई प्राइस के हिसाब से काफ़ी यूनिक वाला फीचर ये वाला लगा मुझे। अगर बात करें यहाँ पे लुक के हिसाब से तो कुछ इस तरीके से दिखता है, एक प्रीमियम लुक और मेटालिक फिनिश जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है और काफ़ी अच्छे और काफ़ी कंफर्टेबल फील यहाँ पे आपको देता है। सबसे पहली बार मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको ALT फ्लैक्स एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड करना है। हमने इसे ऑलरेडी डाउनलोड इंस्टॉल करके रखा है फ्रॉम द प्ले स्टोर। QR कोड जो है वो भी आपको यहाँ पे बैक साइड पे मिल जाएगा। तो ऐप को ओपन करना है, देन आपको जाना है टैब डिवाइस में, सारी परमिशन को यहाँ पे अलाउ करना है और यहाँ पे अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो जैसे ही सर्च करोगे आपको यहाँ पे ALT गोट हमारा जो स्मार्ट वॉच है वो यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से आपको अलाउ करना है। काफ़ी इजीली ये पेयर हो जाता है आपके मोबाइल के साथ। पेयर होते ही यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो टाइम है वो भी यहाँ पे चेंज हो गया है। तो काफ़ी इजी है यहाँ पे मोबाइल के साथ पेयर करना। पेयर हो जाने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शन जो है वो दिखाई देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा वॉच फेस गैलरी और चेक कर सकते हो भाई तगड़े वाले और काफ़ी यूनिक डिज़ाइन वाले यहाँ पे आपको वॉच फेसेस जो है वो मिल जाते हैं और ये काफ़ी इजीली जो है सिंक्रोनाइज होते हैं आपकी वॉच के ऊपर। आप कस्टम वॉच फेस भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नोटिफिकेशन में जाना है और यहाँ पे चेकआउट करना है कि सारे नोटिफिकेशन जो है वो अलाउ है। इसके अलावा यहाँ पे आपको इनकमिंग कॉल जो है उसको भी ऑन करना है, यानी कि जब आपको कॉल आएगा तो आपका जो कॉलर है उसका नाम या तो फिर नंबर जो है अननोन कॉलर का वो आपका जो मोबाइल है वहाँ से ट्रांसमिट होगा स्मार्ट वॉच के ऊपर
और स्मार्ट वॉच के ऊपर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप इसे रिसीव भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलता है एंटी लॉस रिमाइंडर, डीएनडी मोड, अलार्म क्लॉक, सैलेंडरी रिमाइंडर, मेजरमेंट यूनिट, डेट फॉर्मेट, वाइब्रेशन। तो आप यहाँ पे वाइब्रेशन को भी कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप बैकलाइट को भी अप टू 20 सेकंड तक यहाँ पे इसे कस्टमाइज ऑन कर सकते हो। रेस्ट टू वेक फंक्शन, हार्ट रेट सेटिंग, पीरियड ट्रैकिंग, कैमरा, फर्मवेयर अपडेट, फोन बुक, स्टॉक मार्केट, वर्ल्ड क्लॉक, तो भाई काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। और ऐप को यूज़ करना यहाँ पे काफ़ी इजी है। जैसे ही ऐप का जो होम पेज है वहाँ पे आपको सारे के सारे जो डेटा है वो दिखाई देंगे। तो भाई काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे एप्लीकेशन को यूज़ करके, और काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वन ऑफ द अमेजिंग फीचर मिलता है सिंगल चिप ब्लूटूथ कॉलिंग, और वो भी काफ़ी बजट फ्रेंडली प्राइस के अंदर। तो सिंगल चिप ब्लूटूथ कॉलिंग क्या है, आपको सिर्फ वन टाइम ही ब्लूटूथ के साथ पेयर करना है, दैट्स इट। और ये काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है। जब यहाँ पे आपको कॉल आएगा तो चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको कॉलर जो है उसका इन्फॉर्मेशन, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो और आप यहाँ पे रिजेक्ट भी कर सकते हो। सो यहाँ पे जो माइक है उसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगी। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको जो ब्लूटूथ स्पीकर है, यहाँ पे जो स्पीकर रहता है ये वाला, तो उसका भी यहाँ पे जो लाउडनेस है वो भी मुझे काफ़ी सही लगा। तो भाई बजट प्राइस के अंदर आपको मिलता है परफेक्टली वर्किंग वाला ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच। सो यहाँ पे आपको मिलता है कंप्लीट हेल्थ पैकेज, जहाँ पे आप हार्ट रेट को मेज़र कर सकते हो, स्ट्रेस एनालिसिस, एसपीओटो को भी मेज़र कर सकते हो। मैनू प्रेस करोगे तो भी यहाँ पे सारे के सारे जो हेल्थ रिलेटेड डेटा है वो आपको मिल जाएंगे, हार्ट रेट, स्ट्रेस एनालिसिस, ब्लड प्रेशर, एसपीओटू। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको ब्रीथ मोड भी मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे एक्यूरेसी को लेके, तो चेक करते हैं कैसा यहाँ पे आपको सेंसर का एक्यूरेसी मिलता है, और ये तुरंत डिटेक्ट करता है कि भाई आपने ठीक से वियर नहीं किया है। और जब आप इसे यहाँ पे वियर करोगे तब भी ये डिटेक्ट करता है, और सेंसर की एक्यूरेसी मुझे काफ़ी सही लगी। तो भाई प्राइस के हिसाब से काफ़ी एक्यूरेट वाला आपको स्मार्ट वॉच मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलते हैं मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड, जहाँ पे आप रन, ट्रेड, वॉक, साइकिलिंग, क्लाइंबिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, योगा और काफ़ी सारे एक्स्ट्रा एडिशनल जो वर्कआउट है उसको परफॉर्म कर सकते हो। सो यहाँ पे हम रन सिलेक्ट करते हो, और जैसे चेक कर सकते हो यहाँ पे कि जैसे ही रन हमने यहाँ पे प्रेस किया है तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वहाँ पे भी जीपीएस कनेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो हार्ट रेट है वो कंटिन्यूस ट्रैक होता है, और यहाँ पे आपको मिलता है कितने स्टेप्स, कितने कैलोरी, कितना हार्ट रेट है, कितना पेस है, कितना टाइम लगा, तो वो सारे डेटा जो है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। तो भाई ये वाला फीचर काफ़ी सही लगा, एक परफेक्ट स्मार्ट वॉच विथ सारे के सारे स्पोर्ट्स मोड एंड एक्यूरेट ट्रैकिंग मिल जाता है। वन मोर अमेजिंग फीचर यहाँ पे मिलता है AI वॉइस असिस्टेंट। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो आपके मोबाइल के अंदर जो गूगल असिस्टेंट है या तो फिर आईफोन है तो वहाँ पे सीरी वेक हो जाता है, और सारे के सारे आपके कमांड जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं आपके मोबाइल के अंदर, और ये तुरंत ही यहाँ पे सर्च करता है। तो भाई ये काफ़ी सही लगा मुझे। अगर यहाँ पे बात करें एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर को, तो यहाँ पे आपको मिलता है स्पोर्ट्स मोड एक्टिविटी ट्रैकर, जहाँ पे आप पूरे दिन की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हो, हार्ट रेट, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर, SPO2। यहाँ पे आप वाया एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट को भी सेव कर सकते हो, और क्विक डायल यहाँ पे कर सकते हो। स्लीप ट्रैकिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ब्रीथ एनालिसिस, स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, नोटिफिकेशन, डायल पैड। तो यहाँ पे आपको डायल पैड मिलता है जहाँ से आप क्विक डायल कर सकते हो, कॉल हिस्ट्री, किसका कॉल आया था, आपने किसको यहाँ पे कॉल किया था, तो वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। म्यूजिक, अलार्म एंड वेदर अपडेट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको स्टॉपवॉच मिलता है, टाइमर मिलता है, फाइंड माय फोन जो है वो भी एक फीचर मिलता है, जैसे कि यहाँ पे ये लाइव आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो भाई काफ़ी सारे एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर मिलते हैं, कैमरा कंट्रोल, AI वॉइस असिस्टेंट, कैलकुलेटर, कैलेंडर, यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट के भी अपडेट्स यहाँ पे ले सकते हो, वर्ल्ड क्लॉक, सेटिंग एंड गेम। गेम के अंदर यहाँ पे आपको एक गेम मिलती है जो है गैलेक्सी वाली, और आप यहाँ पे गेम के साथ यहाँ पे टाइम पास भी कर सकते हो, तो ये आपका मर्जी है। यहाँ पे सेटिंग के अंदर बाकी सारे फंक्शन जो है मिल जाते हैं, जैसे कि ब्राइटनेस कंट्रोल, क्लॉक, QR कोड, थीम, स्क्रीन सेवर जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, लैंग्वेज, सिस्टम मेनू, जहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, रिबूट, पावर ऑफ एंड रीसेट। अगर हम जाते हैं यहाँ पे थीम के अंदर, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, हमने यहाँ पे लिस्ट थीम यहाँ पे सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आप काफ़ी मल्टीपल थीम जो है उसको यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं थीम नंबर 5। तो ये देखिए एकदम ही स्मूथ यहाँ पे OS जो है वो मिलता है। तो भाई काफ़ी गजब वाले एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर फाइनली बात करें यहाँ पे वर्डिक में, तो यहाँ पे आपको मिलता है एकदम ही स्मूथ OS,
काफ़ी अच्छी तरीके से आपका जो यूआई है, एनिमेशन है, वो यहाँ पे वर्क करता है और लैग फ्री एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे आपको मिलता है। काफ़ी सारे यहाँ पे आपको मल्टीपल मेनू स्टाइल जो है वो भी मिल जाते हैं, तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही वाला स्मार्ट वॉच मिलता है। और हाँ, यहाँ पे जो इनबिल्ट वॉलपेपर है वो भी काफ़ी गजब के यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि लाइव वॉलपेपर है ये वाला जो सीरीज़ 8 का आपको आता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे वाले लाइव वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। तो बजट फ्रेंडली प्राइस के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे कूल फीचर, सिंगल चिप यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग जो है मिलता है, फ्लोलेस लाइव वॉलपेपर का जो सपोर्ट है वो भी मिल जाता है। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा और प्राइस के हिसाब से आप यहाँ पे डेफिनेटली इसे परचेस कर सकते हो। तो बैक साइड पे यहाँ पे आपको मिलता है चार्जिंग डॉट्स और यहाँ पे हमारे पास है मैग्नेटिक चार्जर जो फटाक से चिपक जाता है। जैसे ये चिपकता है आपको यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन जो है वो दिख जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पे बैटरी लाइफ को लेकर, अगर आप यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग को यूज़ नहीं करते हो तो 6 to 7 डेज़ का बैटरी लाइफ मिलता है। अगर आप यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग को यूज़ करते हो तो up to 1 to 2 डेज़ का बैटरी लाइफ मिल जाता है। तो प्राइस के हिसाब से ये भी मुझे काफ़ी सही लगा। भाई फाइनली बात करें वर्डिक्ट में, तो काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे वॉच को यूज़ करके। जो एमोलेड डिस्प्ले है भाई काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करती है। यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी मिल जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मिलता है सिंगल चिप वाला ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट। माइक की क्वालिटी, स्पीकर की क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगी और ये सब मिलता है आपको एक बजट फ्रेंडली प्राइस के अंदर। काफ़ी सारे एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर, SPO2 सेंसर, एक्यूरेट हार्ट रेट सेंसर, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड, गेमिंग, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ, इसके अलावा यहाँ पे आपको कैलकुलेटर का सपोर्ट भी मिल जाता है, AI वॉइस असिस्टेंट भी यहाँ पे आपको मिलता है। तो भाई काफ़ी सारे एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर मिलते हैं और वो भी काफ़ी बजट फ्रेंडली प्राइस के अंदर। और हाँ, इसका जो लिंक है वो भी मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।